आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। संत रविदास जयंती का समारोह कार्यक्रम जो है पटना के रविंद्र भवन में चल रहा है। कुछ देर के बाद बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी यहां पे पहुंचे हुए। तमाम जो लोग हैं वो भीतर बैठे हुए हैं, कुछ राजद के नेता हैं, उनसे ज़रा बात कर लें। क्या नाम है सर? मेरा नाम तेज नारायण साहू है, प्रखंड भगवानपुर राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष वैशाली। वैशाली प्रखंड भगवानपुर के अध्यक्ष हैं जी। तेजस्वी जी रैली किए, रैली में लालू जी ने कहा कि मोदी का परिवारवाद, तो परिवारवाद तो सबसे ज़्यादा तेजस्वी जी के हैं। कैसे आप कहते हैं कि तेजस्वी जी के यहाँ सबसे ज़्यादा परिवारवाद का कोई पुस्तक है तो नरेंद्र मोदी है? मैं उदाहरण देकर के आपको बताता हूँ। रामविलास पासवान जी क्या है, उसके उपोषक है। जितन रामा जी क्या है, उसके उपोषक है। और नरेंद्र मोदी जी के पार्टी में राजनाथ सिंह आइए, साहब सिंह वर्मा आइए, ऐसे कई उदाहरण हैं, कई नाम हैं जिनके पुत्र और पुत्री अभी सांसद विधायक और मंत्री हैं और देश के लुटेरे भी हैं, जो उन्होंने लूट करके गुजरात से लूट करके और जो विदेश जो भेज रहे हैं नरेंद्र मोदी, सब उनके परिवार के सदस्य लोग हैं। सबसे बड़ा परिवारवाद अगर कोई है तो वह भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। मोदी जी लूट के, उनके मंत्री लूट के विदेश भेज रहे हैं, एकदम सारे गुजराती देश को लूट लिए। आप देख रहे हैं ना, सारे जो भी लूटे रहा है सब गुजराती है। ठीक है, मोदी जी के पास तो आज भी कुछ नहीं, कुछ है। कैसे कुछ नहीं, आज और जिस समय 2014 में और आज उनके परिवार है, उसके बायोडाटा ले लीजिए, उसका रिकॉर्ड ले लीजिए, उसका आईटीआई मांग लीजिए, उसके परिवार का देखिए कहाँ का स्थान कहाँ चला गया, उनके भाई उनके तो, बंधु। ये तो बात तो आपको लालू जी पे भी लागू होगी कि 1977 में देख लीजिए और 2000 अभी आप देख लीजिए उनके पास क्या है। अभी तक CBI या कोर्ट या IT विभाग लालू जी के संपत्ति का कितना घोषणा किया है अभी तक? जो मलबा बन रहा था आप उसको साबित करके दिखाइए उनके नाम पर अगर है तो। आप खाली आरोप लगाते हैं, या भारतीय जनता पार्टी द्वारा और गोदी मीडिया द्वारा सिर्फ आरोप लगाया जाता है, प्रमाणित नहीं हुआ है। नहीं, मीडिया का भी बहुत बड़ा, ईडी और सीबीआई पहुंचती है तो अभी तक प्रमाणित की है। अगर हुआ है ठीक है, FIR अगर हुआ तो अभी तक CBI और ईडी ने कितना का संपत्ति का ब्यौरा दिया है सुप्रीम कोर्ट में, सो बताइए हमको। आपको है आइडिया? मात्र 6 करोड़ का। क्या 6 करोड़ का संपत्ति? नौकरी के बदले जमीन, नौकरी के बदले जमीन अगर दिया है तो उसको प्रमाणित न कीजिए, आपको खाली आरोप लगा देने से होगा। नौकरी के बदले जमीन इसके पहले भी लोग लिया होगा, उनके नाम पर कहीं कोई नहीं है। आज भी आप देखते हैं कहीं जमीन लेती है रेलवे के लिए सरकार, तो उसके बदले उसके परिवार को मुआवजा के रूप में जमीन देती है, नौकरी देती है। सुप्रीम कोर्ट जाता है कि ये सब आरोप क्यों नहीं जा? अरे भारत में सबसे ज्यादा अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का अगर दौरा किया है और परेशान करने का काम किया है तो लालू प्रसाद जी के परिवार को, और ईमानदारी पूर्वक उसका पालन कर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, उसका जवाब दे रहे हैं, ईडी CBI सारा और केंद्र सरकार सब हैरान है, सब उनको परेशान करने का फंसाने का एक साजिश है और कुछ नहीं है। लालू यादव को परेशान करके नरेंद्र मोदी को क्या मिले? बहुत मिल रहा है उससे। कुछ लोग उनके तबके के जो उनके विरोधी है लालू जी के, वो खुश हो रहे हैं तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी खास करके, वह तो चूंकि RSS और भाजपा के पिछलग्गू है, उनके बनाए हुए मुखौटे हैं उस पर उछल रहे हैं। क्या कहिएगा साहब? सर देखिए, हम लोग तो रविदास जयंती पे आए हैं। सबसे पहले आप लोग को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग भी आए यहाँ पे, मीडिया के लोग। अब रही तेजस्वी में बात कर रहे हैं तो ये पार्टी के लोग हैं, इन्होंने किया। हम लोग सिर्फ रविदास जयंती पे हम लोग बात कर सकते हैं कि हमारे पूर्वज है, हमारे गुरुदेव है, हम लोग मनाना शुरू किए पटना में और आज तक मन रही है। है हिम्मत लालू यादव में? भाजपा खुलेआम चैलेंज कर रही है। भाजपा चैलेंज नहीं कर रही है, लालू जी और लालू जी के पुत्र चैलेंज भाजपा को कर रहे हैं। बात मेरा सवालवा तो सुन लीजिए पहले, कि किस अपने परिवार से हटके किसी गरीब गुरबे को मुख्यमंत्री बना के दिखा दे। देखिए, अब गरीब गुरबे लालू जी ने जितने गरीब गुरबा को बनाए हैं उतना कोई पार्टी में अगर कहीं कोई बनाया तो उसका उदाहरण हमको दे दीजिए। आप देख लीजिए, मैं आपको उदाहरण के रूप में बताना चाहूँगा। आइए, राम वृक्ष सदा एक मुसहर परिवार से, जो आज भी इंदिरा आवास के 2 कमरे में रहते हुए विधायक है यहाँ। जनता के आंख में धूल झोंकने का काम कहाँ, जनता के आंख में, जनता के आंख में धूल झोंकने का काम भारतीय जनता पार्टी की है। जो आज उसके पार्टी में कहीं कोई गरीब गुरबा, कहीं कोई नेता विधायक आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ वोटर और कार्यकर्ता मिलेगा। लालू जी ने गरीबों का मसीहा है और उन्होंने गरीबों को ही नहीं, आपके जमीन पर आके चलिए, दलित पिछड़ा अकलियतों को जितना सम्मान दिए हैं, जितना उनको राजनीतिक भागीदारी दी है, उतना बिहार ही नहीं पूरे भारत में कोई पार्टी नहीं है। कहाँ दे रहे हैं? BJP वाले कह रहे हैं कि मुख्य जो कुर्सियां है, मेन कुर्सियां दे के दिखा दे। मेन कुर्सियां समय आएगा तो वो भी देंगे, अभी उनके घर में नेतृत्व करने वाले लोग हैं, सब लोग कर रहे हैं। परिवारवाद अगर कहिएगा तो गजब बात है। कैसा परिवार? लोकसभा में हार गई। अच्छा, मान लीजिए हार गई, जनता ने नकार दिया,
पाटलिपुत्र से, जनता ने नकार दिया। तो जब जनता ने नकार दिया तो पिछले दरवाजे से भेजने का आप हमको यह बताइए, केंद्र सरकार में ऐसे कई मंत्री हैं जिनको जनता ने नकार दिया, राज्यसभा से मंत्री हैं, उनको नरेंद्र मोदी ने मंत्री बना दिया, क्यों बनाए? इसका मतलब जो मोदी करेंगे वही। नहीं, हम नहीं करेंगे, हम आपको उदाहरण दे रहे हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अगर राज्यसभा है, विधान परिषद सदस्य ये बनाया जाता है तो उसका सिस्टम उसके माध्यम से गई है उसमें। ऐसा नहीं है कि जनता ने नकार दिया तो वह नहीं जा सकती है उसमें काबिलियत, जो जीत गया हुआ कोई उसका तगमा नहीं मिलता है कि वह बहुत बड़ा काबिल है। आपको नहीं लगता कि रैली सफल हो रही थी लेकिन उसमें जो है उसमें जो है लालू जी मोदी के ऊपर इतना बड़ा वक्तव्य दे के अपने को छोटा कर? नहीं नहीं, लालू जी ने सही जवाब दिया है मोदी जी को, मोदी जी ने परिवारवाद पर हमला किया था। और आज भी मैं कहता हूँ कि मोदी जी अगर उन्होंने क्या कहा, किस विषय पर दो शब्द कहे, परिवारवाद पर, हिंदुत्व पर। और जान लीजिए कि लालू जी ने सही कटाक्ष किए हैं, सही जवाब दिए उनको। लालू ने मोदी यादव पर जो कहा, लालू ने मोदी जी पर जो कहा वो सटीक और सही कहा है, क्योंकि मोदी ने परिवारवाद की बात छेड़ी थी। लेकिन अब देखना ये होगा कि 2024 में बिहार की जनता लालू जी ने जो परिवारवाद की बात की है कि मोदी का परिवार, और लालू जी ने जो कहा है कि मोदी हिंदू नहीं है, उसका क्या असर इस चुनाव पर पड़ेगा। क्योंकि मुद्दा यही गर्म कर दिया भाजपा ने कि लालू ने आखिर कहा क्यों कि मोदी हिंदू नहीं है। हिंदू वर्सेस दूसरी बिरादरी को, दूसरी जातियों को एक तरीके से उछाल दिया है भाजपा ने। अब देखना तो यही है कि 24 के चुनाव में किस कदर राजद अब अपना एजेंडा बनाती है, इस पर भी नजर रहेगी। कैमरामैन प्रेम के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।